दोस्तों स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, अक्सर यानी स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है। यानी कि जो भी स्टूडेंट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किए हैं उनका जो भी बैंक अकाउंट है उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। यानी कि स्टेटस में आप लोग देखेंगे आपका बैंक अकाउंट रिजेक्ट कर दिया जाए जो कि आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है। और बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि अगर वो सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं यानी कि आवेदन किए हैं लेने के लिए तो उनका बैंक अकाउंट रिजेक्ट कर दिया जाए। अब ये क्यों हो रहा है, क्या कारण बताया गया है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कैसे आप उसको ठीक कर पाएंगे, यानी कि उसका प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम यह है कि वो आधार से लिंक नहीं कराए होंगे अपने बैंक अकाउंट को आधार से। तो इसी को देखने है, कैसे आपको देखना है कि कौन से बैंक अकाउंट आधार से सीडिंग है और नहीं है तो कैसे कराएं, यानी सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फाइनली दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट इसी वाले वेबसाइट पर चलेंगे यानी www.biharhelp.in के वेबसाइट पर चलेंगे। यहाँ से आएंगे तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखलाई देगा, आएंगे तो आपको दिखलाई देगा बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2022-23 बीसी और यूबीसी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो आपको सारा जानकारी इससे रिलेटेड जानकारी दिया गया है। आप सबको पता होगा जो भी इसका लास्ट डेट है यानी बीसी और यूबीसी के लिए आवेदन का जो लास्ट डेट है 15 जुलाई 2023 तक रखा गया है। ठीक है, यानी बहुत से स्टूडेंट इसको लेकर परेशान है क्योंकि उनका जो भी बैंक अकाउंट है रिजेक्ट कर दिया गया है तो सोच रहे हैं कि हमारा पैसा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। यहाँ देख सकते हैं लास्ट डेट रखा गया है 15 जुलाई को। तो स्क्रॉल डाउन जैसे ऊपर की ओर करेंगे तो इसको लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो आपको भी दिखलाई देगा, आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है। स्क्रॉल डाउन जैसे करेंगे पोर्टल लिंक का ऑप्शन मिलेगा, स्क्रॉल डाउन जैसे करेंगे यहाँ देख सकते हैं क्विक लिंक का ऑप्शन आपको दिखलाई देगा। डायरेक्ट लिंक टू रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, बीसी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है दिखलाई देगा नीचे की ओर ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे तो इसका जो भी ऑफिशियल वेबसाइट बनाया गया है आप उस पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। रीडायरेक्ट हो जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है, उसके बाद दिखलाई देगा वेरीफाई योर एप्लीकेशन स्टेटस, आपको उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ डिटेल्स भरना पड़ेगा जो कि आपके पास पर्सनल डिटेल्स होगा ही, यानी आपके पास जो भी डिटेल्स है आप यह दिखाई देगा। फिल्टर बाई के नीचे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा यानी कि आधार कार्ड का ऑप्शन, आपको क्लिक कर देना है और जो भी आपका आधार कार्ड है आपको इसमें डाल देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी आधार कार्ड पर है आपको वो डाल देना है। उसके बाद जो कैप्चा दिखाई दे रहा है ये कैप्चा को उस बॉक्स में डाल देना है और उसके बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका देखने को मिल जाएगा यानी पर्सनल डिटेल्स और बैंक डिटेल्स स्टेटस यानी इस तरह का देखने को मिल जाएगा। तो बहुत से स्टूडेंट का हो रहा है कि बैंक वेरिफिकेशन स्टेटस में रिजेक्ट कर दिया गया यानी है उसमें रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब किस कारणों से रिजेक्ट किया गया, बहुत से अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन आप चेक करिएगा कि आपका जो भी बैंक अकाउंट दिए होंगे क्या एनपीसीआई से ले या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको कराना पड़ेगा और वो भी आपको चेक करने की तरीका हम आप बताएंगे कि कैसे आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, यानी एक बार ये देख लीजिएगा। और नहीं तो बहुत से स्टूडेंट का क्या होता है कि जो भी बैंक अकाउंट में जो दिए होंगे बैंक अकाउंट जो नाम में बना हुआ उस पर नाम अलग होगा यानी कुछ मैनिंग वगैरह गलती होगी और जो भी आपके आधार कार्ड पे होगा नाम आपका उसमें भी गलत सही होगा और बैंक अकाउंट में गलत होगा, तो इस प्रक्रिया से भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस बात को भी मिला कर लीजिएगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप चेक कर पाएंगे कि एनपीसीआई से आपका बैंक अकाउंट है लिंक है या नहीं है। अगर होगा तो उसी अकाउंट में आपका पैसा जाएगा और वही आपको अकाउंट देना पड़ेगा। तो चलिए उसको भी प्रक्रिया समझ लेते हैं। इस तरह का आपका बहुत से स्टूडेंट का रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अलग अलग कारण से रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो चलिए अब आप तो दोस्तों इसी वीडियो के नीचे हमने दो लिंक दिया है जो कि आप दूसरा आप देख सकते हैं बैंक आधार सीडिंग स्टेटस, इस तरह का ऑप्शन दिखलाई देगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस वाले यानी पोस्ट पे चलेंगे। इस वाले पोस्ट पे आएंगे तो आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है। स्क्रॉल डाउन जैसे करेंगे इससे जुड़ी सारा जानकारी अच्छी तरह से समझाया गया हिंदी भाषा में, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही चेक करिएगा ताकि आपके लिए सही रहेगा। पढ़ लेंगे तो कुछ जानकारी आपके पास हो जाएगी तो आप अच्छी तरह से चेक कर पाएंगे कि इससे क्या फायदा होगा इसमें बताया गया। तो चलिए हम आपको डायरेक्ट बतला देते हैं क्योंकि कम समय है। यहाँ देख सकते क्विक लिंक का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, ऊपर की ओर करेंगे दिखलाई देगा डाउनलोड एनपीसीआई लिंक फॉर्म। ठीक है, वो भी बताएंगे कैसे आपको फॉर्म भरना है और कहां से डाउनलोड करना है। जो दिखलाई देगा जैसे चेक योर स्टेटस का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। और जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर भरना पड़ेगा। तो हम आपको जरूरी बतला दे सूचना, जो भी आधार कार्ड आप भरेंगे उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, यानी कि जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा कोई सा भी लिंक होगा लेकिन उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको भरना पड़ेगा तभी तो आपका मालूम चल सकेगा। यहाँ से आपको क्या करना है, आपका जो भी 12 डिजिट का आधार नंबर है आपको भरना है। उसके बाद जो दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी कोड का, ये जो सिक्योरिटी कोड का ऑप्शन पर क्लिक करके सेंड ओटीपी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे सेंड ओटीपी का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर
यानी 6 अंक का एक OTP गया होगा, उसको OTP डालकर उसके बाद फिर से आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से जो भी बैंक अकाउंट सीडिंग होगा आपके डिस्प्ले पर देखने को मिल जाएगा, यानी आधार नंबर होगा, बैंक अकाउंट जो भी होगा एक्टिविटी दिखलाई देगा, उसके बाद बैंक जो आप सीडिंग कराए होंगे उसका डेट भी दिखलाई देगा, कौन सा बैंक हुआ है, बैंक इंडियन बैंक हुआ है, स्टेट बैंक हुआ है या पंजाब बैंक हुआ है, यानी जो भी आपका अकाउंट होगा आप देख लीजिएगा, उसका नाम भी दिखलाई देगा। उसके बाद कंग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, इस तरह का ऑप्शन दिखलाई देगा। अगर हुआ होगा तो अगर जो भी आपके देखने को मिल जाएगा आधार नंबर कि हाँ इस बैंक अकाउंट हुआ है तो वही आप दीजिएगा। जो भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अगर आप आवेदन करेंगे दोबारा तो वही आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो हम आपको बता दें, आपको फिर से बैक आ जाना है, यहाँ पर बैक आ जाएंगे तो दिखलाई देगा डाउनलोड NPCI लिंक फॉर्म का ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके बैंक अकाउंट में NPCI से लिंक कराना है उस बैंक अकाउंट में जमा करना पड़ेगा, जो कि आपको आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगाना है और जो भी बैंक अकाउंट है उसका भी फोटो कॉपी लगाना है और कुछ जानकारी है आपको आपको यहां से फिल भी करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरे नंबर पेज का आपको यहां से डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको ब्रांच कहाँ पे पड़ता है, बैंक अकाउंट क्या है, आपका अकाउंट नंबर और जो भी इसमें डिटेल्स मांगा गया आपको इस सारा चीज़ भर देना है। उसके बाद आधार नंबर वगैरह सही से आप एक बार बैंक में ही चले जाइएगा, क्योंकि हम बताएंगे तो बहुत से लोगों का समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। आप बैंक में जाकर अच्छी तरह से उसमें पूछ कर मोबाइल नंबर वगैरह जो भी ईमेल आईडी है आप भर कर अपने बैंक अकाउंट में दीजिएगा और 2-3 दिन के बाद फिर से दोबारा चेक करेंगे, अगर डाउन हो जाएगा तो आपको दिखलाई देगा। जो भी पोस्ट मैट्रिक के लिए आवेदन करेंगे यानी फिर से सुधार का डेट आएगा आप उसमें ये दे सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो जो भी पोस्ट ऑफिस का जो बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप वहाँ से खुलवा सकते हैं, क्योंकि वो जो भी खुलेगा वहाँ से जो भी आधार सीडिंग होकर ही खुलता है। आप एक बार बोल भी सकते हैं कि आधार सीडिंग आप हमारा कर दीजिएगा और उसके बाद आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और जो भी DBT के माध्यम से जो स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है या जो भी सरकारी योजना का पैसा आता है इसी खाते पर आपका पैसा आएगा। तो यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कर दिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।